पिछले 70 साल में जो भाजपा और कांग्रेस के शासन में यहाँ पर बुनियादी सुविधाएं, सीवर की बुनियादी सुविधा जो यहाँ तक नहीं पहुंच पाई, आज वो केजरीवाल सरकार के माध्यम से आप सबके बीच आने जा रही है और यहाँ काम शुरू होने आ रहा है। आप सबको बहुत बहुत बधाई। एक सरकार आपने 3.5 साल पहले चुनी, अरविंद केजरीवाल की सरकार, जिस सरकार ने ये संकल्प लिया कि इसी कार्यकाल में हम जो ये बुनियादी सुविधाएं हैं, बिजली की सुविधा, पानी की सुविधा, सीवर की सुविधा, पढ़ाई की सुविधा, स्वास्थ्य की सुविधा, इन सारी सुविधाओं को हम जल्द से जल्द इसी कार्यकाल में जनता तक पहुंचा देंगे, ऐसी ईमानदार सरकार आपने 3.5 साल पहले चुनी। बिजली आज पूरे भारत में यदि सबसे सस्ती किसी राज्य में मिलती है तो वो दिल्ली राज्य में मिलती है। पानी जो अनगिनत कॉलोनियों में अभी तक नहीं आया था, वो केजरीवाल सरकार के आने के बाद अनधिकृत कॉलोनी हो, जे कॉलोनी हो, हर कॉलोनी में पानी पहुंचाने की सुविधा अरविंद केजरीवाल की सरकार ने करके दिखाई है। शिक्षा के क्षेत्र में, दिल्ली सरकार के स्कूलों के क्षेत्र में ऐसा क्रांतिकारी बदलाव, ऐसा क्रांतिकारी विकास हुआ है कि केवल हिंदुस्तान के, भारत के, हमारे राज्यों के अखबार और न्यूज चैनल नहीं, पूरे विश्व के न्यूज चैनल, अमेरिका का न्यूज चैनल, जर्मनी का अखबार, रूस की मैगजीन, फ्रांस के न्यूज चैनल, सब केवल दिल्ली सरकार ने जो शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव किया है उसकी चर्चा कर रहे हैं। और उसके चलते आज स्थिति ये हो गई है कि बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े आदमी, अमीर लोग अपने बच्चों को निजी स्कूल से निकलवाकर दिल्ली सरकार के स्कूलों में दाखिला करवा रहे हैं। आज दिल्ली सरकार के स्कूलों की स्थिति इतनी बढ़िया हो चुकी है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में मोहल्ला क्लिनिक बने, बढ़िया अस्पताल बने, तमाम दवाइयां और सारा इलाज मुफ्त हुआ। ये भी एक ही राज्य है पूरे भारत में जिसमें इलाज पूरा मुफ्त है और जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक बन रहे हैं, वो है आम आदमी पार्टी की सरकार, दिल्ली का राज्य, आपका राज्य। लोकसभा के चुनाव 2019 का चुनाव आने वाला है, आपके सामने जाति का डमरू भी बजाया जाएगा, धर्म का डमरू भी बजाया जाएगा, कई प्रकार की चीजें फैलाई जाएंगी, पर इस बार हम सब संकल्प लें कि ऐसी पार्टी को वोट दें, ऐसे प्रतिनिधि को जिताएं जो बिजली, पानी, सीवर, स्वास्थ्य, शिक्षा, इस क्षेत्र में काम करकर आपका वोट मांगता है, जाति और धर्म का डमरू बजाकर वोट नहीं मांगता। ऐसा संकल्प आज हम सबको लेना चाहिए कि आने वाले 2019 के चुनावों में आशीर्वाद, प्यार, अपना मार्गदर्शन और अपना वोट एक ईमानदार पार्टी को दें, अच्छी पार्टी को दें, बाहुबल वाले गुंडे लोगों को ना दें, एक ईमानदार अच्छी पार्टी आम आदमी पार्टी को दें।